छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसका भाग 2 देखेंगे। अभी तक हमने देखा था अलैंगिक प्रजनन, एक ही जीव से अपने ही समान जीवों का जन्म होता है। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। इसमें दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो नर और मादा जनन कोशिकाओं के संयोग से होने वाले जनन को हम बोलेंगे लैंगिक जनन। तो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तो इस प्रकार हमें दो नर युग्मक और मादा युग्मक इसकी आवश्यकता होगी। और निषेचन क्रिया के बाद जो रचना बनेगी उसमें कौन सी रचना बोलेंगे, उसको जायगोट या युग्मनज कहते हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो इनमें जो कोशिकाएं होती हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का अर्थ होता है कि उसमें गुण सूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, जनक कोशिका से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि एक बैल से कभी दूसरा बैल का बछड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। तो अब इस प्रकार हमें दो विशेष प्रकार की जनन कोशिकाओं की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुष्पीय पौधों में जनन। पुष्पीय पौधों में भी नर कोशिका और मादा कोशिका होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर एक पुष्प का, पुष्प के जो भाग होते हैं हम उनका वर्णन कर रहे हैं। तो आपने देखा ना पुष्प अधिकतर रंगीन होते हैं। तो मुख्यतः इसके पुष्प के चार भाग होते हैं। पहला है बाह्य दल पत्र, सॉरी, दूसरा है दलपत्र, इसको हम पंखुड़े भी कह सकते हैं, अधिकतर ये रंगीन होते हैं। तीसरा है पुंकेश्वर, पुंकेश्वर, और चौथा है स्त्री केसर, या इसको जायांग भी कहते हैं। तो ये लास्ट के जो दो भाग हैं, ये पुंकेश्वर और स्त्री केसर, ये मुख्य कहलाते हैं पुष्प के जनन अंग। ये तो मैं चित्र के द्वारा अभी आपको बताती हूँ कि किस प्रकार ये चारों, और बाह्य दल पत्र अधिकतर हरे रंग के होते हैं। यहाँ पुष्प की अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब एल,
सेक्शन एल एस बता रहे हैं, अनुदैर्ध्य मतलब एक पुष्प को हमने खड़ा काटा है, तो देखेंगे उसमें किस प्रकार चारों अंग व्यवस्थित होते हैं। जो पुष्प ग्रंथ होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं डंठल, वो पुष्प ग्रंथ है। तो जो पहला था बाह्य दल पत्र, वो आपने देखा होगा पुष्प में हरे कलर के कभी कभी पत्तियों जैसे जुड़े हुए रहते हैं। आपने भट्टे और टमाटर में देखे कि वो हरे रंग के, तो ये अधिकतर गुलाब का पौधा, जासून का पौधा, सभी में ये हरे रंग के लगे हुए रहते हैं। इनको हम बोलते हैं बाह्य दल पत्र। और जो रंगीन होते हैं, ये आप देख रहे हो ना पंखुड़ी, ये कहलाते हैं दल पत्र। ये अधिकतर रंगीन होते हैं। और आपने गुलाब में देखा ना, गुलाबी, लाल, पीले पंखुड़ी होती है। और यहाँ पर बीच में होता है स्त्री केसर, तो स्त्री केसर का ये नीचे वाला भाग अंडाशय है, थोड़ा सा फूला सेंटर में होता है, और थोड़ा सा ये भाग लंबा होता है, इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये यहाँ का ये भाग थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये स्त्री केसर। उसके बाद साइड में यहाँ से पुंकेश्वर लगे हुए रहते हैं। इनकी संख्या सब में अलग-अलग होती है। तो ये पुंकेश्वर है। पुंकेश्वर का ये वाला हिस्सा जो फूला हुआ है, इसको हम बोलते हैं पराग कोश। और जो थोड़ा सा लंबा वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं तंतु। और इस प्रकार ये दोनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, पुंकेश्वर। और इनके अंदर, पराग कोश के अंदर, पराग कण पाए जाते हैं। और ये स्त्री केसर है, इसका ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है ओवरी या अंडाशय। ये जो बीच का हिस्सा है लंबा वाला, ये वर्तिका। और ये वर्तिकाग्र, और ये तीनों मिलकर कहलाते हैं जायांग या स्त्री केसर। तो इस प्रकार ये पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का चित्र है। इसमें आपको सारे भाग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जब किसी पुष्प में यदि कोई भी भाग उपस्थित, या तो पुंकेसर रहे या स्त्री केसर रहे, तो उसे हम बोलेंगे एकलिंगी पुष्प, पपीता, तरबूज। और यदि जिस पुष्प में दोनों रहें, स्त्री केसर भी रहे और पुंकेसर भी रहे, तो उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। जासून, गुड़हल, जासून और गुड़हल एक ही चीज है, सरसों। अब हम पढ़ते हैं परागण। तो एक पुष्प के परागकण जब पुंकेश्वर से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण क्रिया। तो देखिए, यह अभी हमने पूर्व में बताया था कि ये पुष्प है, तो इसी के इसके जो पराग कोष से जो परागकण है, वो वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण।
परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण क्या है? इसी पुष्प के परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, पुष्प का उभयलिंगी होना जरूरी है, तो इसको हम बोलेंगे स्वपरागण। और पर परागण, पर परागण में क्या होगा कि कोई दूसरा पुष्प है और उसकी ये वर्तिकाग्र है और दो पुष्प हैं, तो इस पुष्प के परागकण इस पर जाएंगे, तो दूसरे पुष्प की आवश्यकता होगी, इसको हम बोलेंगे पर परागण। तो परागण के लिए हमें माध्यम की क्या होगी? आवश्यकता होती है। परागण क्रिया हवा के द्वारा भी हो सकती है, पानी के द्वारा भी हो सकती है, कीटों के द्वारा भी हो सकती है, पक्षियों के द्वारा भी हो सकती है। तो अब इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये देखिए परागकण है, और परागकण जैसे ही किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ये आप देख रहे हो ना पूरा अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड होते हैं ओव्यूल्स, तो ये परागकण जैसे ही पहुंचते हैं इनसे एक लंबी नली निकलती है, पराग नलिका, इसको बोलेंगे पराग नलिका पहुंचने के बाद। और ये पराग नली जो अंडाशय के अंदर जो अंड कोशिका है, बीजांड है, वहां पर उस अंड कोशिका से युग्मन होता है। इस प्रकार ये जो अंडाशय है धीरे धीरे फल में बदल जाता है और यहीं पर बीजों की रचना हो जाती है, बीज का निर्माण होता है, और यही बीज बाद में अंकुरित होकर नए पौधे को बनाते हैं। ये बीज शुष्क अवस्था में पाए जाते हैं और यदि उनको उपयुक्त मिट्टी पानी मिले तो ये अंकुरित होते हैं और इस प्रकार अंकुरित होकर एक नया पौधा बनाते हैं। तो वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण, ये पढ़ा हमने अभी पौधों में। अब हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। मानव में भी नर और मादा होते हैं, इनमें भी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। तो जो नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग हैं, एक जोड़ी वृषण, ये अधिकतर परीक्षा में पूछते हैं, एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां, मूत्र मार्ग और पेनिस और सहायक जनन ग्रंथियां। इसी प्रकार मादा जनन तंत्र के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियां, एक गर्भाशय और योनि। अधिकतर मादा जनन तंत्र का चित्र पूछते हैं जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में दो अंतर बताइए, मैंने शुरू में बताया, और पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। धन्यवाद।